सो हेलो गाइस, मैं राहुल जैसा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपटेक हिंदी चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को पूरा नॉलेज दूंगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस स्मार्टफोन के बारे में, क्या इसकी प्राइस है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है और जो फ्यूचर्स है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोग को तो पता है कि मेरे चैनल पर जितने भी नए स्मार्टफोन आते हैं उसके बारे में पूरी आप लोग को नॉलेज मिलती है, उसके साथ आप लोगों को यूट्यूब की जो अपडेट है उसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो यही जो है मेरे चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। और आज के वीडियो में आपके लिए नॉलेज लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का, जो कि बहुत ही हाई रेंज का ये स्मार्टफोन है, कोई भी व्यक्ति इस स्मार्टफोन को नहीं ले सकता। तो चलिए इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में पूरा जानेंगे, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों आप लोग आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, नए चैनल कर लेना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर लेना बेल आइकन को प्रेस, हो जाना मैं आपके ऐसे नए वीडियो हेल्पफुल या यूट्यूब टेक या फिर अनबॉक्सिंग से रिलेटेड लाता रहता हूं। चलिए फिर समाज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की जो प्राइस है वो आप लोग को बहुत हाई देखने को मिलेगी, इसको कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से वेरिएंट में ये निकल के आया है, तो देख लीजिए यहाँ पे तीन वेरिएंट आप लोग को ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, तीनों की जो प्राइस है वो आप लोग को अलग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जो स्टार्टिंग प्राइस है फर्स्ट वेरिएंट का वो आप लोगों को 70,000 रुपीज का देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम के साथ निकल के आया है। इंटरनल स्टोरेज इसका 256GB आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे सेकंड वेरिएंट का, तो इसकी जो प्राइस है वो 80,000 रुपीज आप लोग को देखने को मिल जाएगी, जिसका रैम है 12GB प्लस आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज 256GB देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वेरिएंट का, तो इसकी जो प्राइस है वो 90,000 रुपीज आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसका रैम है 12GB प्लस 512GB इंटरनल स्टोरेज। यानी कि यहाँ पे मैंने आप लोग को जो पहला और दूसरा वेरिएंट दिखाया इसमें ओनली रैम का डिफरेंस है, और जो लास्ट वेरिएंट है इसमें आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। करते हैं डिस्प्ले साइज का, तो इस स्मार्टफोन में आप लोग को जो डिस्प्ले का साइज है 6.3 इंच का डायनामिक एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है 2280x1080 पिक्सल। और दोस्तों ये जो है HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है, ये यहाँ पे फाइनली लिखा हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की, तो बैक पैनल में जो कैमरा का सेटअप है वो आप लोग को तीन देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट कैमरा आप लोग को देखने को मिलेगा 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और जो दूसरा कैमरा है वो आप लोगों को 12MP का देखने को मिलता है, जो कि डुअल एपर्चर के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा f/1.5/2.4 इस तरीके से जो इसका एपर्चर है दिया गया है। बात करते हैं लास्ट कैमरा का, जो कि थर्ड कैमरा है वो आप लोगों को 12MP का देखने को मिलता है टेलीफोटो का विद फ्लैश के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने कैमरा के बात आप लोग को कर लिया, फ्रंट कैमरे की यहाँ पे अगर बात करें हम तो देख लीजिए 10MP का फ्रंट कैमरा आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिम के बारे में, तो देख लीजिए 4G+4G आप लोगों को ये स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, दोनों 4G आप लोग लगा सकते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड पाई V9.0 के बेस पे करता है ये वर्क। यहाँ पे जो प्रोसेसर है सैमसंग के अंदर दिया गया है एक्जोनोस का 9825 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की, तो 3500 mAh की जो बैटरी का वो आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा कम बैटरी इसके अंदर दिया है, जो कि प्राइस की इतनी हाई है तो नहीं भी, तो फिर भी आप लोगों को 4000 mAh की जो कम से कम बैटरी है वो यहाँ पे आप लोगों को मिलना चाहिए था। बात करते हैं और कुछ चीज का, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 25W का इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, चार्जर बॉक्स के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, अल्ट्रासोनिक का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं और कुछ चीज का, तो दोस्तों देख लीजिए इसके अंदर एक यस पिन है, जो कि ब्लूटूथ के द्वारा आप लोगों को ब्लूटूथ एयर के तरह ये वर्क करता है, आप लोग को ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग कुछ भी ऊपर से ऐसा करेंगे एयर के अंदर तो वो उस तरीके से वर्क करेगा। अब ये मैंने तो यूज नहीं करा तो उतना इसका मुझे नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को पूरा नॉलेज दिया इसके बारे में, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक कर देना, अपने दोस्तों साथ शेयर। मैं राहुल जैसा आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।